Hello everyone. I know every child loves to live in their fantasy world, in their dream world, and every magical world has a fairy godmother. Today, I'll tell you a story about a teacher who became fairy godmother for the children one day. So the story goes like this. It's the Wishmaker. Story name is The Wishmaker. Miss Wizzy was a teacher at every school and she could do magic, but she worked her magic only on special days. That means Miss Wizzy एक टीचर हैं और स्कूल का नेम है एवरेज स्कूल. सो वो मैजिक कर सकती हैं. मिस विजी जो हैं वो मैजिक कर सकती हैं, लेकिन वो अपना मैजिक कुछ स्पेशल डेज पे ही करती हैं. टुडे इज 14th नवंबर, द चिल्ड्रंस डे, द बेस्ट डे टू वर्क माय मैजिक, शी सेड टू हरसेल्फ. द चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय देमसेल्व्स. मतलब आज the day when she was going to perform the magic, it was 14th November. 14th November ko kya hota hai? Children's Day hota hai. Aap sabko malum hoga. So, Children's Day par teacher jo hai, wo Miss Wizzy jo hai, wo magic karna chahti hai. Aur wo jaanti hai, wo sochti hai ki har bacha is cheez ko enjoy karega. Miss Wizzy put on her silver clock. हेयर सिल्वर क्लॉक. क्लॉक मतलब आपने देखा होगा फेरी टेल्स में जो एक जादूगरनिया जो एक केप सा पहनते हैं, ऊपर एक कोट होता है उनका विदाउट स्लीव्स जैसा जो एक कोट होता है, उसे हम क्लॉक बोलते हैं. मिस विजी पुट ऑन हर सिल्वर क्लॉक, टुक हर गोल्डन वॉन्ड एंड केम टू द क्लास. और उनके हाथ में एक जादू की छड़ी है और वो क्लास में आती हैं. ऑल द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड. Amit, the class monitor, told the other students, "We must behave ourselves and be good. We must not upset Miss Wizzy." Class monitor, जो अमित है, उसने सभी बच्चों से बोला कि हम अच्छे से बिहेव करेंगे आज का दिन मैम के साथ और मैम को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करेंगे. The children agreed and settled down quickly. और सभी ने अमित की बात से सहमति की. सबने अमित की बात को माना और सब अपनी अपनी सीट्स पर क्वाइटली बैठ गए. मिस विजी ग्रीटेड द क्लास एंड सेड. मिस विजी ने क्लास में एंटर किया और सभी बच्चों ने मैम को जब विश किया, शी रिप्लाइड बैक. और उन्होंने क्या कहा? चिल्ड्रन, आई हैव अ स्पेशल ट्रीट फॉर यू. टुडे इज अ फिश डे. देन मिस विजी वेव्ड हर सिल्वर वॉन्ड इन द एयर एंड विश्ड चॉकलेट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो मिस विजी ने सभी बच्चों से बोला कि बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट है. ट्रीट समझते हो ना, कुछ भी जब हम आपको ट्रीट का मतलब ये पता होगा कि जैसे आपका बर्थडे है, यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एंड यू ट्रीट योर यू गिव अ ट्रीट टू योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देते हो एज अ चॉकलेट या फिर उनको कहीं कुछ अच्छा सा खिलाते हो. दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रीट. ठीक है, तो उन्होंने मिस विजी ने बच्चों से बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए आज एक स्पेशल ट्रीट है. एंड टुडे इज अ विश डे. कि आज एक विश डे है. मिस विजी ने ये बोलते ही अपनी मैजिकल वॉन्ड जो थी वो उन्होंने हवा में घुमाई और उस वॉन्ड से उन्होंने क्या विश किया? सभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स. थैंक यू मिस विजी, कोरस द चिल्ड्रन एज दे मंच्ड ऑन देयर चॉकलेट्स. थैंक यू मिस विजी, ये किन्होंने बोला? बच्चों ने बोला अपनी चॉकलेट को खाते हुए. मंच मीन्स समटाइम्स पीपल ईट एंड मेक नॉइज, है ना, कि खाते हुए जब कुछ आवाज करते हैं ना, खाते खाते जब मुंह से आवाजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड मंचिंग. ठीक है, सो बच्चों ने वो चॉकलेट खाते हुए अपनी टीचर को, दे वर वेरी हैप्पी टू गेट दैट चॉकलेट एंड दे सेड थैंक यू टू देयर टीचर. And would you like to see some more magic, children? Asked Miss Wizzy. और Miss Wizzy ने बच्चों से पूछा कि क्या तुम कुछ और भी magic देखना चाहते हो? Yes, yes, they all shouted. Who is they here? They means बच्चे. तो students were happy and they shouted yes for the more magic. Well, let us do something different. Each of you make a wish for yourself.
you must wish for something small. Now close your eyes and make your wish. तो टीचर ने उनको क्या बोला कि चलो अब हम कुछ डिफरेंट करते हैं. आप में से हर एक बच्चा अपने लिए कुछ भी एक छोटा सी चीज की विश करो एंड आफ्टर दैट क्लोज योर आईज, कि अपनी विश करने के बाद अपनी आईज बंद कर लो. मिस विजी वेव्ड हर वॉन्ड. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड देन तभी मिस विजी ने अपनी वॉन्ड को हवा में घुमाया और थोड़ी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट मीन्स कुछ टाइम के लिए, हवा में सॉरी इन द क्लास इट वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास. एंड देन फिर क्या हुआ, इट लुक्ड एज इफ द क्लासरूम हैड टर्न्ड इनटू अ मिनी जू. थोड़ी देर बाद ही ऐसा महसूस हुआ कि जो उनका जो क्लासरूम था इट टर्न्ड इनटू अ मिनी जू, मतलब पूरे जू यू नो वेयर लॉट ऑफ एनिमल्स आर देयर, कि उनकी क्लास ऐसी महसूस ऐसा फील होने लग गया कि उनकी क्लास एक मिनी जू में कन्वर्ट हो गई है. क्यों ऐसा लगा, अ डॉग चेज्ड अ कैट, द कैट चेज्ड अ माउस, अ वाइट रैट रैन अप अमिडस्ट पैंट्स, अ टॉकिंग पैरट स्क्रीच्ड बी क्वाइट, एन आउल पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड. मतलब क्लासरूम में क्या चल रहा था, एक डॉग जो था वो कैट को चेज कर रहा था. चेज मतलब पीछा करना, एक डॉग कैट का पीछा कर रहा है, एक कैट जो है वो माउस का पीछा कर रही है, और एक वाइट कलर का जो रैट है वो अमित की पैंट्स के ऊपर चढ़ गया है. टॉकिंग पैरट स्क्रीच्ड, एक टॉकिंग पैरट है जो कि चिल्ला रहा है बी क्वाइट, एंड आउल पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड, और जो एक आउल है वो एक कबर्ड के ऊपर जाके बैठ गया है. पर्च्ड मीन्स, पर्च का मतलब होता है जब बर्ड्स अपने क्लॉज के साथ किसी ब्रांच को होल्ड करके बैठते हैं ना, तो उसे हम पर्च बोलते हैं. तो एक जो आउल है उसने अपने पंजे से कबर्ड को पकड़ के ऊपर बैठ गया उसके ऊपर. अ बेबी मंकी क्लाइंब्ड ऑनटू द विंडो एंड वुड नॉट गेट डाउन. और एक जो बेबी मंकी है, मंकी का छोटा सा बच्चा, वो विंडो के ऊपर चढ़ गया है, बट नाउ ही इज नॉट एबल टू गेट डाउन, लेकिन अब वो उतर नहीं पा रहा है. एंड स्मॉल पपी सैट ऑन द फ्लोर एंड वूव्ड सॉफ्टली. और एक छोटा सा पपी है, डॉगी का बच्चा है, एक छोटा सा वो फ्लोर पर बैठ गया और धीरे धीरे से सॉफ्टली से वूफ वूफ कर रहा है, भौंक रहा है. सीइंग ऑल दिस द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड जम्प्ड एंड अप एंड डाउन जॉयफुली. और ये सब कुछ देख के चिल्ड्रन वर इंजॉइंग सो मच दैट दे वर क्लैपिंग एंड लाफिंग मूविंग अराउंड इन द क्लास. मतलब पूरा क्योस था क्लास के अंदर, बट एवरीबडी वॉज इंजॉइंग दैट मोमेंट. The animals ran around the room till Miss Wizzy waved her wand and ordered them to go to the children who had wished for them. और ये सब कुछ चलता रहा जब तक कि Miss Wizzy ने अपनी wand को घुमाया नहीं, और जब तक Miss Wizzy ने उन सबको order नहीं दिया कि जिस जिसने जिस animal को wish किया है वो उनके पास जाओ. And what happened then? कि मिस विजी ने जब वो वॉन्ड घुमाई, उनको ऑर्डर दिया, तो एवरी एनिमल, हर एक एनिमल उस के पास चला गया जिस जिस बच्चे ने जिस जिस एनिमल के लिए विश किया था. ऑल वॉज क्वाइट एंड नॉर्मल अगेन इन द क्लासरूम. और जब ऐसा हुआ, जब सभी एनिमल्स अपने अपने मालिक के पास चले गए, तो क्लासरूम वॉज क्वाइट अगेन. एंड द चिल्ड्रेन हु विश्ड फॉर स्मॉल टॉयज एंड बुक्स found them in their bags. They were all very happy. So what happened? Most of the children, they ordered for small puppies, for small animals, like you can say they wished for few pets. तो जिन भी बच्चों ने pets के लिए wish किया था, उन सबको pets मिल गए. और जिन बच्चों ने छोटे small toys के लिए या फिर books के लिए order किया था, तो उनके बुक्स और टॉयज उनके बैग्स में उनको मिले. जब उन्होंने हैंड डाला अपने बैग में, तो दे गॉट देयर गिफ्ट्स. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. और वो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे. आई होप यू एंजॉयड योरसेल्फ, सेड मिस विजी. मिस विजी ने बोला कि मुझे लग रहा है कि आप सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा. यस मिस विजी, सॉरी, दिस इज द बेस्ट चिल्ड्रंस डे एवर. Yes, Miss Wizzy,
मतलब बच्चों ने बोला कि यस मैम, हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड दिस इज़ द बेस्ट चिल्ड्रंस डे एवर. मतलब ये उनकी लाइफ का चिल्ड्रंस डे, बेस्ट चिल्ड्रंस डे था. जितना भी उन्होंने, जितने भी चिल्ड्रंस डे आज तक इन्जॉय किए थे, उनमें से ये बेस्ट था. थैंक यू वेरी मच मिस विजी एंड एवरीबडी, एवरी चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड दे ऑल थैंक्ड मिस विजी. ओके, एंड हाउ वॉज द स्टोरी? डिड यू लाइक दैट एंड डिड यू इन्जॉय द मोमेंट वेन ऑल द एनिमल्स वर मूविंग अराउंड इन द क्लास? कितना मज़ा आ रहा होगा ये सब सोचकर. आप सबको भी, आप सबने भी इस चीज़ को इन्जॉय किया होगा कि बच्चों ने कितना ज़्यादा उस मोमेंट को इन्जॉय किया उनके, उन्होंने अपने जब पेट्स को क्लास के अंदर देखा. ओके, थैंक यू सो मच.